keep the peace before one of us blows up like TNT. Let's go. तो क्या अब तक नहीं भूल पाई अमित कौर सिद्धार्थ निगम को? ऐसी बातें आ रही थी सामने कि अमित कौर और सिद्धार्थ निगम रिलेशनशिप में हैं, वो दोनों डेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं और ना ही ये कहानी आगे बढ़ी। तो अब इतने सालों बाद रिलेशनशिप की इतनी अफवाहें, इतने रूमर्स के बाद अब ऐसा क्या हो गया जिसके चलते अमित कौर ने अपनी बैक पे अल्फ़ाबेट एस नाम का सिंबल बनवाया है, टैटू बनवाया है। चलिए जानते हैं इस बात की पूरी सच्चाई कि आखिरकार वो एस अल्फ़ाबेट एस है क्या। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। पर उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल यानी कि वायरल खबरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो जैसे गाइस आपने पिछले दो ही दिनों में एक पोस्ट देखी होगी इंस्टाग्राम पर, और नहीं देखी तो आप ये वीडियो में भी देख सकते हो कि अमित ने अपने बैक पे अल्फ़ाबेट एस नाम का टैटू करवाया है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि क्या अब तक आप सिद्धार्थ को नहीं भूली हो, क्या अभी भी आप दोनों के बीच में कुछ चल रहा है? तो इसका जवाब तो अमित कौर ने कुछ नहीं दिया, लेकिन आपको पता ना हो तो हम आपको बता दें कि अमित कौर का और सनी सिंह का एक प्रोजेक्ट आ रहा है, लव या फिर अरेंज मैरिज। अब इस पर हमें ऐसा लगता है, ये हमारा ओपिनियन है, कि ये सनी सिंह का जो नाम है अल्फ़ाबेट एस से जो शुरू होता है, शायद उनके लिए हो सकता है, शायद ऐसा हो सकता है, हम कंफर्म नहीं कह रहे, पर शायद लव या अरेंज मैरिज इसके प्रोजेक्ट के चलते भी उन्होंने शायद ये टैटू करवाया होगा, ऐसा हो सकता है गाइज, हम कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा हमारा मानना है। अब जैसे कि आपको पता ही है कि अवनीत को कई जगह जोड़ा गया है, उनका नाम कई हस्तियों के साथ जोड़ा गया है, चाहे फिर वो सिद्धार्थ निगम हो या फिर राघव शर्मा हो, पर इस पर क्या है आपकी राय, क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है ये टैटू का राज, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ यानी कि वायरल खबरी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।